हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश भाई की रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जब गाड़ी की आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी में ची ची आवाज़ आती है तो किस चीज़ की आती है और किस प्रकार से आती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसका ये टायर खोल लेंगे ब्रेक शू का। ये टायर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये टायर होता है, ये हम खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये किस तरीके से खोलेंगे ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हम खोल लेंगे और वो किस चीज़ की आवाज़ आती है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रेक लगाने पे आपकी जो चीज की आवाज़ आती है वो ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन जम जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये कार्बन है, ये आपका जम जाता है तब वो आवाज़ आती है। ठीक दोस्तों, इस तरीके का ये कार्बन इसमें जम जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये कार्बन है, इसमें देखिए पूरे में कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन इसमें जम जाता है। इस वजह से ब्रेक लगाने पे ची ची आवाज़ आती है। तो इसको किस तरीके से सही करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके जो कार्बन है, इसको कार्बन जो इसमें है बहुत सारा, देखिए दोस्तों ये काला काला है, ये कार्बन इसमें भी चिपका हुआ है और इसमें भी चिपका हुआ है। ये सब हम साफ़ करेंगे, साफ़ करके रेगमाल लगा के इसको हम किस तरीके से साफ़ करेंगे, किस तरीके से इसको रेगमाल मारेंगे, किस तरीके से आयलिंग करेंगे, इसे मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो इसे हम सबसे पहले इसे हम कपड़े से पोंछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से कपड़ा ले लीजिएगा, इस तरीके से ठोक लीजिएगा। ठोकने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये कार्बन इसका निकला हुआ है। ठीक दोस्तों, ये कार्बन हम पूरा पोंछ लेंगे अच्छे से। इसको दोस्तों पानी से ना धुलिएगा, अगर पानी से आप धुल देंगे या पेट्रोल से धुल देंगे तो ये आपका और आवाज़ करने लगेगा, ये लेदर हार्ड हो जाएगा और आवाज़ करने लगेगा ज़्यादा। ठीक दोस्तों, तो मेरी राय है कि ऐसे कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो ब्रेक शू इस तरीके से निकाल लीजिएगा, इस तरीके से ब्रेक शू निकाल करके तो प्लेट व्लेट में इस तरीके से पोंछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इसमें ब्रेक शू दोबारा हम फंसाएंगे इस तरीके से। पहले स्प्रिंग इसमें सेट कर लीजिएगा, ये हमने स्प्रिंग सेट कर लिए और ये कार्बन जितना भी लगा है ये हम चारों तरफ से पोंछ देंगे, इसमें पूरा कार्बन पोंछ देंगे। ठीक दोस्तों, ये पोंछ देंगे और जिस तरीके से हमने निकाला तो उसी तरीके से लगाइएगा, इस तरीके से हमने निकाला तो उसी तरीके से हम लगा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, पूरा अच्छे से बैठा लीजिएगा, ये यहाँ बैठेगा अच्छे से और यहाँ बैठेगा, इस तरीके से चला के देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो रेगमाल होता है या आरी ब्लेड होता है तो हम आरी ब्लेड से इसमें हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, साफ कर देंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम साफ कर देंगे, दोनों तरफ साफ कर लेंगे। ये इसकी चिकनाहटपन होती है ये हटा दीजिएगा, इस तरीके से साफ करने से चिकनाहटपन जितनी होगी ये सब हट जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। इससे ये रहेगा कि जो कार्बन इसमें जमेगा, कार्बन इसमें जम नहीं पाएगा और जम नहीं पाएगा तो ये चल जाएगा, आपका आवाज़ नहीं करेगा। उस तरीके से ऑयल स्प्रिंग में और जहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑयल हल्का हल्का एक एक बूंद डाल दीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, लेदर पे यहाँ पे ऑयल ना आना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये साफ करने के बाद जो अलाइविल है, अलाइविल में भी हम साफ़ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें जो कार्बन लगा हुआ है ये सब साफ कर देंगे। ठीक दोस्तों, ये हमारा पूरा साफ हो गया है। साफ होने के बाद इसको हम लगा देंगे। तो दोस्तों जो हमारी ब्रेक लगाने पे ची 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 आवाज़ आती है, तो दोस्तों जो हमारी ब्रेक लगाने पे ची 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 आवाज़ आती है वो आवाज़ हमारी सॉल्व हो जाएगी, हमारी वो आवाज़ इसी तरह सॉल्व होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।